जय हिंद बच्चों, वेलकम है आप सभी का द लर्नर्स एकेडमी में। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 9वीं क्लास का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ यानी मतलब इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? पदार्थ के बारे में। ठीक है दोस्तों, जो पदार्थ है वो किसे कहते हैं इस चैप्टर में हम समझेंगे। पदार्थ की अवस्थाएँ कौन कौन सी होती हैं, पदार्थ के कण कैसे होते हैं, ठीक है, और पदार्थों की अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे आता है, चेंजेस कैसे आता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं बच्चों पदार्थ किसे कहते हैं। तो विश्व में कोई भी वस्तु जिस सामग्री से बनी हुई होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहा जाता है। लेकिन हमारे आसपास जो भी वस्तु आप देखते हो, चाहे वो दीवार हो, ठीक है, टेबल चेयर कुछ भी हो, आप लोग जो भी देखते हो वो सब क्या होता है, उस सब में बेटा क्या होता है, पदार्थ होता है। ठीक है, अब देखो मैंने ये एक ईंट बनाई, ठीक है, इस ईंट में क्या है, बहुत सारे छोटे 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 मिट्टी के कण हैं। इन कणों से मिलकर के क्या बनी है, ये पदार्थ बन गया एक, जिसको हमने नाम दे दिया ईंट। और जब मैंने इसको कहीं पर रखूंगा तो बेटा ये क्या घेरेगा, एक निश्चित अपना स्थान घेर लेगा। ठीक है, ये ईंट, और इसके साथ साथ बच्चों इसके अंदर क्या होगा, द्रव्यमान होगा, तो ये क्या बन जाएगा, पदार्थ बन जाएगा। ठीक है, अब आपको मैंने बता दिया पदार्थ और उसके भौतिक गुण भी बता दिए। भौतिक गुण में क्या है बच्चों, ये कणों से बना हुआ होता है और इसके कण बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, चलते हैं पदार्थों के अभिलक्षणिक गुण यानी मतलब किन कारणों से ये अभिलक्षित होते हैं उनके बारे में हम समझ लेते हैं। पहला क्या है बच्चों, जो पदार्थ के कण होते हैं वो क्या करते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। अब जब कोई भी चीज़ गति करेगी, गति का मतलब होता है चलना, ये चलते रहते हैं। ठीक है, अब सिंपल भाषा में ये समझ लो, और जो चीज़ गति करेगी उसके अंदर क्या होगी बच्चों, गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो पदार्थ के जो कण होते हैं उन्हें अंदर गति करते रहते हैं और उनके अंदर होती है गतिज ऊर्जा। ठीक है, और तापमान बढ़ने पर क्या होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी बच्चों। जैसे ही किसी कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो जो उनके अंदर गतिज ऊर्जा होगी, गति तेज होगी, तो क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, जो तापमान बढ़ेगा तो जो कण होते हैं उनकी जो गति करने की शक्ति होती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। पदार्थों का दूसरा अभिलक्षणिक गुण जो होता है वो ये होता है कि पदार्थों के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। अब ये कैसे हो सकता है रिक्त स्थान बच्चों होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो ये क्या है, हमारे पास एक बीकर है, इसके अंदर मैंने डाल दिया एक चम्मच नमक और कुछ समय बाद हिलाया तो ये दोनों क्या हो गया, मिल गया। ठीक है, अब मिल गया तो क्या बन गया, आपने देखा ये मिल क्यों गया, क्योंकि भाई ये जो जल था इसके अंदर क्या था, रिक्त स्थान था। और रिक्त स्थान में क्या होगा, जब कहीं खाली जगह होगी अगर कोई चीज़ डाली जाएगी तो उसमें भर जाती है, तो ऐसे ही क्या था, ये जल था, इसमें क्या था, रिक्त स्थान था, खाली जगह थी, तो मैंने इसमें क्या डाला बच्चों, नमक, और नमक डालते ही क्या हो गया, ये रिक्त स्थान भर जाएगा। यानी मतलब इसके अंदर जब रिक्त स्थान खाली जगह होगी तो मैं कुछ डालूंगा तो उसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आप क्या करते हो, चाय पीते हो, कॉफ़ी, नींबू आदि क्या करते हो, एक तरह के सारे पदार्थ हैं। ठीक है, और इनके जो कण होते हैं दूसरी तरफ से पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। ठीक है, जब आप इसमें कुछ डालोगे तो इसमें समावेशित हो जाते हैं, यानी मतलब मिल जाते हैं। तो इससे हमें यही तो पता चला बच्चों कि इसके अंदर क्या होता है, रिक्त स्थान, पदार्थों के अंदर क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होती है। ये क्या था, इनका दूसरा अभिलक्षित गुण था। अब हम बात करते हैं तीसरे गुण की बच्चों, ये क्या है चलिए समझते हैं बच्चों। देखो जो तीसरा गुण होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं, यानी मतलब इनमें क्या होता है बच्चों, आकर्षण बल होता है। हम कैसे कह सकते हैं चलिए समझते हैं। देखो बच्चों, आपने कभी ना नल चलाया होगा, ठीक है, जब नल से पानी निकलता है तो आप उसके अंदर क्या करते हो, उंगली लगा के उसे तोड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन क्या वह टूट पाता है, नहीं। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि उसके अंदर जो धारा होती है वो जुड़ी हुई होती है। जुड़ी क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, आकर्षण, क्या होता है बच्चों, आकर्षण होता है, जिसकी वजह से वो धारा क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो पानी के कण है वो एक दूसरे के साथ क्या है, आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आकर्षित करते हैं क्योंकि उनके अंदर आकर्षण बल होता है, इसके अंदर पदार्थ के कणों के अंदर। ठीक है, अब देखो पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, अभी बता दिया, और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है। जो पदार्थों के अंदर गतिज ऊर्जा,
क्या होती है एक बेटा? गतिज ऊर्जा होती है, मैंने अभी तो बताया था ऊपर आपको। और ये सबसे कम किस में होती है? ठोस में, ठीक है। उससे ज़्यादा किस में होगी? ठोस से ज़्यादा किस में होगी बच्चों? द्रव में। और सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी आपकी गैस में, ठीक है बच्चों? समझ में आ गया? अगर पूछे सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किस पदार्थ में होती है, यानी मतलब पदार्थ की किस अवस्था में होती है, तो गैस की अवस्था जो है वो सबसे ज़्यादा उसमें क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी। सबसे कम तो ठोस में, ठीक है बच्चों। दूसरा भी मैंने आपको बताया ना, आकर्षण होता है उसके अंदर, तो आकर्षण बल भी सबसे अधिक, ठीक है, किस में होगा बच्चों? ठोस में सबसे अधिक होगा, द्रव्य में कम होगा। और गैस में जो होगा, जो आकर्षण बल होता है बेटा गैस में, वो बहुत ही कम होता है, यानी मतलब सबसे कम किस में होगा? गैस में, ठीक है। समझ में आ गया? ऐसे ही बच्चों क्या होगा, गैसीय अवस्था में जो कणों की गति होती है, गति यानी मतलब चलने की, वो क्या होगा? सबसे अधिक होगी। यानी मतलब गैस में आप क्या होगा, जो कण होंगे वो बहुत तेजी से गति कर पाते हैं। इसी प्रकार अगर मैं पानी में बात करूं या द्रव की बात करूं, तो उसमें कम गति कर पाते हैं। यानी मतलब ठोस से तो ज़्यादा होगी लेकिन गैस से कम होगी। और जो होगी सबसे ज़्यादा, जो बेटा गैसीय अवस्था होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होती है? गति कर पाते हैं कौन? कण, ठीक है। और द्रव्य में कम और ठोस में सबसे कम, यानी मतलब न्यूनतम। अगर पूछा जाए पदार्थ के जो कण होते हैं सबसे कम किस अवस्था में गति कर पाते हैं, तो वो क्या होगी बच्चों? ठोस अवस्था में सबसे कम गति कर पाते हैं और गैसीय अवस्था में सबसे अधिक गति करते हैं। अब ये देखो, तुम्हें एक चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। जैसे कि ये देखो बच्चों, ये क्या है? ठोस है कोई चीज़ है, ठीक है। और ये क्या है? द्रव है, पानी है। और ये गैस है, गुब्बारा। गैस के अंदर, गैस में क्या होता है? गुब्बारा होता है, ठीक है। गुब्बारे के अंदर गैस होती है मतलब, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो ठोस है इनके अंदर देखो कण जो है, ये क्या है? कण है। ये बहुत पास पास है, यानी मतलब इसके अंदर क्या है? रिक्त स्थान बहुत कम होता है, रिक्त स्थान कम होता है, ठीक है, बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ द्रव की, जैसे ये पानी है, पानी में क्या है? रिक्त स्थान तो है, ठीक है, रिक्त स्थान है, ठीक है। तो जो इसके जो कण होंगे वो इसके अंदर गति तो कर पाएंगे लेकिन कम कर पाएंगे, किसकी किसकी तुलना में? गैस की तुलना में, ठीक है। अब देखो इसमें गैस है, गैस में कण कहाँ है? बहुत दूर दूर है बच्चों इसके, यानी मतलब इसके अंदर क्या है? गतिज ऊर्जा भी सबसे तेज होगी, ठीक है, समझ में आ गया। और क्या होगा? आकर्षण बल इसके अंदर भाई बहुत कम होगा, ठीक है। और क्या होगा? गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी, ठीक है। और गति भी इसके अंदर जो है कण बहुत तेजी से कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये हैं आपके ठोस, द्रव और गैस। मुख्य रूप से जो बच्चों पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? इन्हीं तीन अवस्थाओं में बांटे जाते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, अब हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं आकर्षण को, यानी मतलब किसके अंदर आकर्षण सबसे ज़्यादा होता है। यानी मतलब देखो, ये है ठोस। अब ठोस में देखो जो कण है ये बहुत ज़्यादा आकर्षित है बच्चों, यानी मतलब एक दूसरे से आकर्षण जो बल है उससे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ द्रव अवस्था में, द्रव में देखो आकर्षण की शक्ति जो है कम है, यानी मतलब द्रव अवस्था में जो आकर्षण होता है वो ठोस की तुलना में कम होता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं गैस में देखूँ, तो बच्चों देखो गैस में जो है आकर्षण की तुलना जो है आकर्षण बल सबसे कम है, सबसे कम, ठीक है। यानी मतलब देखो ये जो कण है वो दूर दूर है, यानी मतलब इसमें जो आकर्षण है बहुत ही कम होगा, ठीक है। यानी मतलब अगर आकर्षण को बोला जाए सबसे ज़्यादा किस में होगा? तो ठोस में। सबसे कम तो गैसीय अवस्था में। और मध्यम आकर्षण कहाँ होगा? द्रव अवस्था में, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं पदार्थों की अवस्थाएँ। अभी तो बता दी बच्चों पदार्थों की अवस्थाएँ कितनी हैं, ठीक है। मैंने बताया तीन, एक है ठोस, एक है द्रव्य, एक है गैस, ठीक है। ठोस के उदाहरण क्या हो सकते हैं बच्चों? दीवार, ठीक है, किताब, ठीक है, मेज, कुर्सी, ठीक है। ये सब किसके उदाहरण है बच्चों? ठोस अवस्था के, किसके? पदार्थों की ठोस अवस्था के। द्रव्य में बच्चों कौन कौन से आ सकते हैं? देखो द्रव्य में आ जाते हैं भाई तुम्हारे जल, ठीक है, दूध, ठीक है, उसके बाद आपका तेल। ये सब कैसे हैं बच्चों? द्रव अवस्था। गैस में CO2, ठीक है, वायु, ये सब क्या है? गैसीय अवस्था है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं।
अब देखो आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे शरीर में भी क्या होते हैं, कई सारे पदार्थ होते हैं और उनको भी अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। जैसे आपकी हड्डियां हो गई और दांत हो गए, ये सब क्या है? ठोस। रक्त, ठीक है, ये क्या है? द्रव। और जल जो आप पीते हो, ठीक है, और फेफड़ों में क्या लेते हो आप? हवा लेते हो, तो क्या हो गया? गैसीय अवस्था हो गई। ठीक है, अब हम देखो, मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या बताता है, ठोस। तो ठोस के बारे में कुछ चीज़ें समझ लेते हैं बच्चों। ठोस जो अवस्था होती है इसका बच्चों एक निश्चित आकार होता है। मैंने आपको ईंट के बारे में बताया था, ईंट देखो बिल्कुल एक आकार में होती है। किताब ले लो, किताब का भी एक आकार होता है ना, जैसे ये ईंट है, मैंने ईंट का एग्जांपल ले लिया। ठीक है बच्चों, ऐसे क्या होती है, अगर किताब होती तो किताब का आकार ले लेते हैं हम। ठीक है, ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएँ होती हैं। ठीक है, कुछ सीमाएँ दिखने को मिल सकती हैं आपको। दूसरा होता है बच्चों इनका निश्चित जो होता है स्थिर आयतन होता है। ठीक है, एक आयतन निश्चित होता है किसका? ठोस वस्तुओं का। ठीक है, और ये क्या होता है? ऋण होते हैं, यानी मतलब थोड़े से कठोर होते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये देखो कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद, संगलन की गुप्त ऊष्मा। इसमें क्या होता है बच्चों, वायुमंडल के दाब पर जब 1 किलोग्राम ठोस को गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की जरूरत होती है उसे क्या कहते हैं? संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब देखो बच्चों, यानी मतलब ये बर्फ ले लेते हैं हम, क्या ले ली मैंने, ये बर्फ ले ली। कितनी ले ली? 1 किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम बर्फ, ये क्या है बच्चों? ठोस है। क्या है? ठोस। ठीक है, अब इस 1 किलोग्राम बर्फ को, ठीक है, बर्फ को ठोस से किसमें बदलने के लिए बच्चों? द्रव्य में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इस ऊष्मीय की जो आवश्यकता होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, गुप्त ऊष्मा, संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। ठीक है बच्चों, यानी मतलब 0 डिग्री बर्फ के कणों की तुलना में जो 0 डिग्री पानी के कणों की से अधिक होती है, यानी मतलब बर्फ के जो कण होंगे उसके अंदर अधिक ऊर्जा की जरूरत होगी पानी की तुलना। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? इसको क्या बोलते हैं? संलग्न की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, यानी मतलब 1 किलोग्राम बर्फ को, ठीक है, ठोस से द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? संलग्न की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे हम चलते हैं बच्चों, ये हमारा है क्वथनांक और कहते हैं इसको बॉइलिंग पॉइंट इंग्लिश में। ठीक है, अब देखो बच्चों ये क्या होता है, वायुमंडल दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव, द्रव यानी मतलब मैंने बोल दिया जल, जल क्या है? एक द्रव है। द्रव को उबलने लगता है और इसका क्वथनांक क्या बन जाता है? समष्टि हो जाता है। यानी मतलब कोई पदार्थ है जब वो तापमान, जिस तापमान पर वो पदार्थ क्या बन जाए? उबलने लग जाए बच्चों, क्या लग जाए? उबलने लग जाए, तो क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, जैसे पानी का, पानी का जो होता है बच्चों क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या फिर कह सकते हो 273 केल्विन भी कह सकते हो आप लोग इसको। ठीक है, पानी जो है बच्चों वो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या जो था वो उबलना शुरू हो जाएगा, यानी मतलब द्रव अवस्था होती है पानी की। ठीक है, और अगर मैं 100 डिग्री टेम्परेचर में पानी को रखूँ जला करके गैस, ठीक है, ये गैस जला करके रखूँगा तो क्या हो जाएगा 100 डिग्री पे बच्चों? उबलने लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका? जल का। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ठीक है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ये क्या है इसको भी समझ लो बच्चों। वायुमंडल के दाब में जब 1 किलोग्राम द्रव को, ठीक है, उसके क्वथनांक पर, यानी मतलब क्वथनांक पर, ठीक है, वाष्प के रूप में बदलने में जितनी ऊर्जा चाहिए होती है, क्वथनांक यानी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब बच्चों देखो इसका मतलब ये है, यानी मतलब 1 किलोग्राम द्रव को उसके ऊष्मा के अनुसार क्वथनांक के रूप में बदलने में, यानी मतलब वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा उसको चाहिए होगी, जितनी ऊर्जा की उसको जरूरत होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, यानी मतलब अगर मैं 1 किलो जल को, ठीक है, वाष्प के रूप में बदलने के लिए, वाष्प के रूप में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, ये है।
अब देखो, जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती। कब तक तापमान में वृद्धि नहीं होगी? लगातार 100 डिग्री पानी ही रहेगा बच्चों। पानी का जो तापमान होगा वो 100 डिग्री ही रहेगा, जब तक कि वो पूरा पानी क्या नहीं हो जाता है, उबल नहीं जाता है। ठीक है, वो उतना ही टेम्परेचर बना रहेगा, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच के को जो बल है, उसका आकर्षण बल है, उसको क्या करती है, वो तोड़ती रहती है। ठीक है, और ये 100 डिग्री तापमान पर वाष्प के कण उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है बच्चों, अब देखो भाई, तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था में एक दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, तापमान में परिवर्तन करने से क्या होता है बच्चों, पदार्थ की अवस्थाओं में भी परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे अभी तो मैंने बताया आपको, ठोस, द्रव और गैसीय, ये क्या होती हैं, अवस्थाएं होती है पदार्थों की। अब मैंने इसमें ऊर्जा दे दी, ठोस में अगर जैसे मैं ऊष्मा दूंगा, यानी मतलब इसमें टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तापमान बढ़ा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, द्रव। ठोस मैंने ले लिया बर्फ। ठीक है बच्चों, अब बर्फ में जैसे ही मैंने क्या किया, ऊष्मा दी, तो क्या बन गया, ये जल बन जाएगा। ठीक है, और जैसे ही मैं जल को और ज़्यादा ऊष्मा दूंगा, और ज़्यादा इसको उबालूंगा, तो क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा। ठीक है, यानी मतलब ये क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। ठीक है, होता है नहीं होता, आप लोग क्या करते हो, बर्फ़ जो होता है बेटा, फ्रिज में रखते हो तो बर्फ होता है, बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, उसका तापमान बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा और वो बन जाएगा जल। और जैसे ही जल को आप पानी गैस पर रखोगे तो क्या बन जाएगा, वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, और इसी वाष्प को अगर हम शीतलता प्रदान करें, यानी मतलब टेम्परेचर, तापमान कम कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, संघनन हो जाएगा, ये जमना शुरू हो जाएगा, और इसी और ये क्या हो जाएगा, फिर गैस से आप क्या कर लोगे, ये द्रव में आ जाएगा। ठीक है, गैस से किस में आ जाएगा, द्रव में आ जाएगा, और द्रव को अगर और ज़्यादा शीतलता प्रदान की जाए, और ज़्यादा अगर हम इसका तापमान कम कर दें, तो क्या हो जाएगा, तो वापस किस में बदल जाएगा बच्चों, ठोस में, क्या बन जाएगा, दोबारा से बर्फ बन जाएगा। ठीक है, ये देखो, 25 डिग्री सेल्सियस पर जल होता है, 0 डिग्री पे गया तो बर्फ। ठीक है, या इसको हम ऐसे कर लें, पहले 0 डिग्री पे था, ठोस था। ठीक है, 25 डिग्री पे तापमान बढ़ा तो क्या हो जाएगा, ये द्रव बन गया, और जैसे ही और ज़्यादा तापमान बढ़ाया हमने, तो क्या बन गया, ये वाष्प। ठीक है, जब वाष्प से हमने दोबारा से इसको क्या किया, तापमान इसका कम किया, तो क्या बन गया बच्चों, जल, और जल से और कम करेंगे तो क्या बन जाएगा, बर्फ। ठीक है, ऊर्ध्वपातन, ये क्या है, ऊर्ध्वपातन बहुत बार पूछा जाता है बच्चों, ऐसा पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए क्या हो जाए, सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, ठोस अवस्था में बदल जाना, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, यानी मतलब वो परिवर्तन, जिस परिवर्तन में कोई पदार्थ सीधे क्या हो जाए, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुआ, यानी मतलब ठोस से सीधा किस में बदल जाए बच्चों, गैस में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, और द्रव अवस्था में ना बदले, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल के लिए जैसे आप देख सकते हो, कपूर है। ठीक है, जब आप लोग कपूर को जलाते हो, ठीक है, आग लगाते हो, कपूर में जलाते हो, क्या होता है, कपूर आपके पास किस रूप में होता है बच्चों, ठोस। ये क्या होता है, कपूर होता है, और इसमें आपने जैसे ही आग लगाई बच्चों, क्या लगाई, आग, वो सीधा क्या बन गया, गैस। ठीक है, क्या बन जाता है बच्चों, गैस। तो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण कौन सा रहेगा, आप कपूर जला सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये आपको दिखा रखा है। अब हम बात करते हैं दूसरा क्या होता है, एक तो हमने पढ़ लिया बच्चों, तापमान में परिवर्तन से हम क्या कर सकते हैं, पदार्थों की अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा करते हैं, वायु में जो दाब होता है, दाब परिवर्तन के कारण हम क्या कर सकते हैं, पदार्थों की जो अवस्थाएं हैं उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। यदि आप लोग देखो, तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर के उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी को कम हो जाएगी। ठीक है, और जो गैस द्रव में बदल जाएगी, इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो ये कहना चाहते हैं, अगर किसी वस्तु में या किसी पदार्थ में, ठीक है, या किसी गैस वाले पदार्थ में हम क्या करें बच्चों, अधिक दाब बढ़ा दें, यानी मतलब प्रेशर बढ़ा दें, प्रेशर में परिवर्तन करेंगे ना, तो उस अवस्था जो पदार्थ है उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए दाब है, दाब को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, जैसे कि ये देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल के दे रखा है, सिलेंडर है, और ये देखो सिलेंडर है, और इसके अंदर है पिस्टन। ठीक है, इसके अंदर क्या है,
गैस के कण हैं बच्चों, ठीक है। अब ये देखो गैस को द्रव्य में कैसे बदल सकते हैं, ठीक है। दाब बढ़ा दिया और टेम्परेचर घटा दिया, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होगा, देखो दाब बढ़ा दिया, ये क्या थे, या पहले जो गैस के कण है ना वो बहुत दूर दूर हैं, जैसे ही हमने पिस्टन से इसमें प्रेशर बढ़ाया यानी मतलब दाब बढ़ाया, इसके जो सिलेंडर के अंदर जो गैस के कण हैं वो कहाँ आ गए, नज़दीक आ गए, और नज़दीक आते ही क्या बन जाएंगे, ये द्रव बन जाएंगे, ठीक है। गैस से किसमें बन जाएंगे बच्चों, ये द्रव बन जाएगा, और इसको और ज़्यादा जब हम दाब लगाएंगे तो किसमें बन जाएगा बच्चों, ठोस में, किसमें बन जाएगा, ठोस में। और यहाँ पर किसमें था, गैस में, ठीक है। यहाँ पर एक गैस थी, जैसे ही हमने इसमें दाब लगाया तो ये क्या बन गया, तापमान कम हुआ और दाब बढ़ा, तो ये किसमें बदल गया बच्चों, द्रव्य में, किसमें बदल गया, द्रव्य में। और ज़्यादा हमने इसमें दाब लगाया और तापमान कम किया तो किसमें बदल गया, ठोस में, ठीक है। आगे देखो इसकी कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण जो होते हैं बेटा नज़दीक आ जाते हैं, जैसे कण देखो दूर दूर थे, अब जैसे ही इसमें दाब बढ़ा एक कण पास पास में आ गए तो क्या बन गया बच्चों, द्रव बन गया, क्या बन गया था, द्रव। और ज़्यादा दाब लगाएंगे तो इसके कण और ज़्यादा पास पास आ जाएंगे, जब बहुत ज़्यादा पास पास में कण आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये ठोस बन जाएगा, ठीक है। यही तो है कि दाब में परिवर्तन के कारण अवस्थाओं में परिवर्तन। देखो एग्जाम्पल के लिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बच्चा हम ड्राई आइस या फिर सूखी बर्फ भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं हम, गैस जो CO2 होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या करते हैं हम, बहुत ज़्यादा दाब लगा लगा के हम क्या कर देते हैं, उसको बना देते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में परिवर्तन किए, ठीक है। यानी मतलब सीधा हम गैस से किसमें परिवर्तित कर सकते हैं, ठोस में, ठीक है दोस्तों। इसके लिए दाब को घटा करके एक एटमोस्फियरिक तक करना होता है, या अगर हम CO2 को का जो दाब है वो घटा करके एक एटमोस्फेयरिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ड्राई आइस में बदल जाएगी, जिसको सूक्ष्म बर्फ कहते हैं, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इसका फॉर्मूला क्या होता है, सॉलिड CO2 होती है। अब देखो बच्चों, जो दाब और तापमान के प्रभाव से पदार्थों की तीन अवस्थाओं में अंतर या फिर रूपांतरण होता है, किस प्रकार होता है, अभी हमने कितनी बार बताया आपको, अब आप लोग अच्छे से समझ सके हो, ठीक है। देखो दोस्तों, जैसे ही हम ठोस में क्या करेंगे, संघनन करेंगे, ठीक है। अभी देखो एक बार हम ये समझते हैं, पहले ठोस से हम जाएंगे द्रव में, ठीक है, ठोस से किस में जाएंगे, द्रव में। अब देखो बच्चों, जैसे ही आप ठोस से आपने क्या किया, संघनन किया, तो आप किस में चले गए, द्रव में। और द्रव को जब आपने फिर से क्या किया, देखो बच्चों कोई ठोस है, यहां पर मान लेते हैं बर्फ, ठीक है, क्या किया, बर्फ, बर्फ में हमने क्या किया, संगलन किया बच्चों, संगलन किया यानी मतलब इसमें हमने क्या लगा दिया, तापमान बढ़ा दिया, ठीक है, तापमान बढ़ा दिया तो किसमें बदला, बना गया संगलन में, ये किसमें बदल जाएगा, द्रव में, किसमें बदल जाएगा, द्रव, ये पानी अवस्था में पहुंच जाएगा बच्चों, ठीक है। और फिर से हमने क्या किया, इसका वाष्पीकरण कर दिया यानी मतलब और ज़्यादा तापमान बढ़ा दिया तो किसमें हो जाएगा बच्चों, गैस अवस्था में, किसमें हो जाएगा, गैस यानी मतलब वाष्प की अवस्था में हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हमने एक ऊर्ध्वपातन पढ़ा था, ठीक है, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, हम सीधा गैस से किसमें बदल देते हैं, ठोस में, ठीक है, सीधा गैस से ठोस में। इसमें मैंने बताया था आपको, कपूर का भी पढ़ाया, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक और होता है इसका अपोजिट, जैसे द्रव से अगर आपको ठोस में बदलना हो तो क्या हो जाएगा, जमना। मैंने बताया ना, पानी को अगर हम क्या करेंगे, तापमान कम कर देंगे तो बच्चों किसमें हो जाएगा, फिर से वो जम जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हमने जब हमने द्रव से क्या किया, वाष्पीकरण किया यानी मतलब गैस बना दिया, पानी को हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा के हमने क्या कर दिया, गैस बना दिया बच्चों, वाष्प बना दिया। अब उसके बाद अगर दोबारा हम उसमें संघनन करेंगे, ठीक है, उसके तापमान में कमी कर देंगे तो जम करके क्या बन जाएगा, द्रव, पानी बन जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार क्या होता है, ठोस से गैस बनने की प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और वापस से गैस से वापस ठोस बनने की प्रक्रिया को भी हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं,
ठीक है, संलग्न और संघनन दोनों अलग अलग है, ठीक है, आप लोग समझ सकते हो। मतलब होता है ये तो ठोस होने के बावजूद भी इनके अंदर क्या है, वैसी चीज़ें नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लो रबड़, आपने बच्चों देखा होगा रबड़ बैंड, ये बेटा एक क्या है, आकार बदला जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये ठोस है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, इनके आकार में बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने उसको बल लगा करके उसको छोटा या बड़ा कर सकते हो आप लोग रबड़ बैंड को बीच में उंगली डाल करके, ठीक है, अगर अत्यधिक बल लगाया जाएगा तो टूट जाएगा, लेकिन रबड़ बैंड कैसा है, ठोस होता है, ठीक है बच्चों, ये क्या है, अपवाद है ठोस अवस्था में रबड़ बैंड। अगर आपसे पूछे अपवाद तो रबड़ बैंड का एग्जाम्पल दीजिएगा आप लोग। ठोस पदार्थों में कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, ये हमने पढ़ा था ना, ठोस पदार्थों में गतिज ऊर्जा क्या होती है, न्यूनतम होती है, इसलिए ठोस पदार्थों का एक निश्चित रीढ़ आकार होता है, ठीक है, जब उनके अंदर गतिज ऊर्जा नहीं हो पाती तो उसके इसीलिए वजह से तो क्या होता है, उनके अंदर एक आकार आ जाता है। दूसरी चीज शकरा और नमक, शकरा का मतलब चीनी, ठीक है बच्चों, नमक जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं उसी का क्या ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं बताओ, आकार ले लेते हैं बच्चों। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो हमने पढ़ा है बच्चों जो पदार्थ होते हैं ठोस होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक निश्चित आकार होता है, ठीक है, उनका अपना एक आकार होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो चीनी है नमक है ये दूसरे आकार कैसे ले लेते हैं, जैसे अगर आपने इस बॉक्स में रख दिया, इस गिलास में रख दिया, तो चीनी और नमक इसी का आकार ले लेते हैं, ठीक है, अगर डिब्बे में बंद करके रखा है आपने किसी, तो उस डिब्बे का आकार ले लेते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों ये जो नमक और चीनी होते हैं इनके जो आकार होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, क्रिस्टल आकार होता है, ठीक है, जिस कारण ये होते तो ठोस हैं लेकिन इतना छोटा आकार होने के कारण जिस वस्तु में इन्हें रखा जाता है ये उसी का आकार ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं हाथ से दबाए स्पंज, ठीक है, आपने ब्रेड खाया होगा, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, आप लेकर के जाओ घर में देखो, रखोगे तो दबाओगे तो क्या होता है, संपीड़ित होता हो जाता है बच्चों स्पंज में, ठीक है, एक ब्रेड टाइप के जैसा होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, ये ठोस है, ठीक है, स्पंज कैसा होता है, ठोस होता है, लेकिन अगर आप इस पर हाथ रख के इसमें दबाओगे ना, तो यानी मतलब जो इसके पोर्सेस में हवा होती है बच्चों, ठीक है, वो क्या हो जाती है, निकल जाएगी, और जैसे ही आपने हाथ हटाया दोबारा से उसके अंदर हवा भर जाएगी, ये भी क्या है, ठोस, ठीक है बच्चों, ये क्या है, कुछ जो है ठोस पदार्थों के, ठीक है, अपवाद हैं, उदाहरण के रूप में आप इनको दे सकते हो। करते हैं बच्चों द्रव, द्रव जो अवस्था होती है पदार्थों उनके बारे में, देखो द्रव यानी मतलब ये क्या होते हैं, तरल होते हैं, इनके अंदर बहाव होता है। अब बच्चों मैंने ले लिया पानी, ठीक है, ठीक है, पानी को रखा मैंने कहीं और ये क्या हो जाते हैं, बह करके कहीं और चले जाते हैं, यानी मतलब इनके क्या अंदर क्या होता है, बहाव होता है, और ये क्या होते हैं, तरल होते हैं। द्रव का स्थिर आकार नहीं होता और ये बर्तन का आकार लेते हैं बच्चों, यानी मतलब जो कोई भी देखो आप पानी है या तेल ले लो आप, जिस भी इनका कोई अपना आकार नहीं होता बच्चों, लेकिन इनको जिस बर्तन में आप रखोगे ये उसी का आकार ले लेंगे, ठीक है। द्रव का निश्चित आयतन होता है, द्रव में बहुत कम संपीड़न होता है, यानी मतलब जगह बहुत कम होती है, ठीक है, किसके मुकाबले में। आगे हम बात करते हैं बच्चों द्रव के कणों, देखो द्रव का जो कण होता है उनके अंदर आकर्षण बल उसका आयतन निश्चित रखता है, जो द्रव के अंदर आकर्षण बल होता है उसी की वजह से क्या होता है, इनका जो आयतन होता है वो बना रहता है, ठीक है, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं, कौन, द्रव, अभी तो बताया आपको, जैसे गैस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, पानी में विसरण हो जाते हैं, मिल जाते हैं दोनों आपस में, और क्या होता है, ये जलीय पौधे जीव यानी मतलब एक्वेटिक पानी में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण पानी में सांस ले पाते हैं। अब देखो बच्चों इसका मतलब क्या है, देखो गैस है, एक ऑक्सीजन है, और दूसरा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों से ही क्या मिलता है, जल बनता है, और ये जो जल होता है, जल के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन घुली हुई होती है, जिस कारण जो पानी के अंदर रहने वाले पौधे होते हैं या एनिमल होते हैं वो पानी से क्या ले लेते हैं बच्चों, ऑक्सीजन प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दोनों होती है, जल के अंदर एक पानी भी होता है, ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड, और जीव को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का कौन प्रयोग कर लेते हैं भाई, जो जलीय पौधे और जीव होते हैं वो। देखो बच्चों दूसरा क्या है, द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है,
यानी मतलब कोई भी जो द्रव अवस्था है उसके अंदर कोई चीज़ें घुल बड़ी जल्दी जाती हैं, जबकि ठोस अवस्था में बहुत कम होता है, ऐसा नहीं होता। देखो आप किताब पर कोई चीज़ रखो उसको घुलाओ, नहीं घुलेगी बच्चों, क्योंकि जो कण होते हैं कणों में गति द्रव्य में ज़्यादा होती है, ठीक है। द्रव अवस्था में क्या होता है, गति ज़्यादा हो जाती है और ठोस में गति कम होती है, इस वजह से क्या होता है, घुल जाते हैं। अब हम बात करते हैं गैसीय अवस्था के बारे में, किसके बारे में, गैसीय अवस्था के बारे में। इसमें बच्चों बहाव होता है, ठीक है, गैस एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, गैसों में संपीड़न अधिक होता है, इसमें कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती हैं भाई, गैस में कोई सीमा नहीं होती है, गैसों में निश्चित आकार भी नहीं होता है, ठीक है। गैसों में कोई निश्चित आयतन भी नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं गैसों में कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि गैसों में जो रिक्त स्थान होता है सबसे अधिक होता है और आकर्षण बल बहुत कम होता है, इसलिए गैसों में क्या होता है, बहाव होता है, ऊपर तो मैंने आपको बता दिया था। अब गैसों में कोई निश्चित आयतन नहीं होता है, इसलिए तो क्या होता है, गैस जिस भी बर्तन में रखी जाती है उसी का आयतन ग्रहण कर लेती है या प्राप्त कर लेती है। गैसीय अवस्था में कण जो होता है नियमित रूप से तेजी से गति करते हैं, मैंने अभी तो बताया गैस अवस्था में क्या हो जाता है, कणों में गति ऊर्जा बहुत अधिक होती है, ठीक है, जिस कारण क्या होता है, हम कोई भी काम कर पाते हैं गैस में बहुत आसानी से। अब मैंने बोला आप तक चीज़ पहुंच गई, आप सुन पा रहे हो, इसका मतलब क्या है, गैसों में क्या है, गति ऊर्जा है, जो कण होते हैं बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, गति कर पाते हैं, इसी कारण गैस जो कण होते हैं वो आपस में बर्तन की दीवारों से टकरा करके बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर बल के कारण गैसों का दबाव बनता है, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं भाई पदार्थों की अवस्थाओं में परिवर्तन, यानी मतलब पानी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में मिलता है, वो कैसे बताते हैं जी। देखो मैंने आपको बताई जो पदार्थ की अवस्थाएं होती तीन होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है बच्चों। अब ठोस जो है वो पानी जो मिलता है आपको बर्फ़ की अवस्था में ठोस रूप में देखने को मिल सकता है, द्रव में आप जो पानी पीते हो वो क्या है, द्रव अवस्था है। दूसरी है बच्चों, तीसरी जो अवस्था है गैसीय अवस्था, जो वाष्प है, वाष्प का मतलब, वाष्प या आप कह सकते हो भाप, ठीक है, ये क्या है, पदार्थ जो है पानी, पानी की तीसरी अवस्था है दोस्तों वाष्प, ठीक है। अब आप कह सकते हो जो पानी है वो तीनों अवस्था में पाया जाता है, बर्फ की फॉर्म में, पानी की फॉर्म में और वाष्प की फॉर्म में, ठीक है, यानी मतलब ठोस पूछे तो बर्फ, द्रव पूछे तो पानी और गैस पूछे तो वाष्प, ठीक है। पानी को देखो, पानी को बर्फ में परिवर्तित हो जाता है और पानी वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। पदार्थों की भौतिक अवस्था के दो तरीकों से परिवर्तन किया जा सकता है, अभी देखो कैसे कैसे पदार्थों की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हम कर सकते हैं। भौतिक का मतलब जो चीज़ दिखने वाली होती है, ठीक है दोस्तों। एक हमने पढ़ा बच्चों, देखो तापमान में परिवर्तन, अगर हम किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं तो अगर उनके तापमान में परिवर्तन कर दिया जाए तो उनकी भौतिक अवस्था बदल सकती है, ये कैसे हो सकता है, चलिए समझते हैं। पहले हमें यह समझना होगा बच्चों कि गलनांक किसको कहते हैं, यानी मतलब इंग्लिश में अगर बोले तो मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आ जाता है कई बार। देखो बच्चों, जिस तापमान पर, ठीक है, वायुमंडल के जिस तापमान पर कोई ठोस वस्तु या पदार्थ पिघलना शुरू हो जाए, ठीक है, या पिघल करके क्या बन जाए, द्रव बन जाए, यानी मतलब ठोस से पिघल करके द्रव बन जाए, तो वह इसका क्या होगा, गलनांक कहलाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बच्चों मैंने तुम्हें लिया बर्फ, बर्फ क्या था, ठोस था, ठीक है, इसको 273.16 केल्विन, ठीक है, यानी मतलब आप कह सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस, अगर सेल्सियस में नापोगे तो किसमें, 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम इसको रख दें तो ये जो ठोस होता है ना, ठोस से बर्फ क्या हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री जो टेम्परेचर है ये क्या हो जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, किसका, बर्फ़ का या फिर पानी का, ठीक है दोस्तों, या फिर 273 केल्विन, ठीक है। अब देखो जब बर्फ पिघलती है तो तापमान नहीं बढ़ता, लगातार ऊष्मा प्रदान करने से के बावजूद भी, क्योंकि संलग्न की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ने नहीं देती है, ठीक है, तापमान नहीं बढ़ता जब बर्फ़ पिघलती है, ठीक है, क्योंकि जब तक ये पिघल नहीं जाएगी तब तक ही उसका
पूरा जो है वो 0 डिग्री टेम्परेचर ही रहेगा। दूसरी चीज़ इसी में है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बच्चों क्या करते हैं, क्वथनांक को और बढ़ा करके हम किसी द्रव अवस्था को, द्रव पदार्थ इसमें बदल देते हैं, गैस, गैस की फॉर्म में बदल देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वाष्प के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या कहलाएगा, हमारा वाष्पीकरण कहलाएगा। जैसे कि सतह पर उपस्थित कणों में उच्च गतिज ऊर्जा के कारण क्या होता है, अन्य कणों के आकर्षण बल मुक्त हो जाते हैं। जब हम क्या करते हैं बच्चों, जैसे ही क्या करते हैं, मान लीजिए जल होता है, जल को हमने पानी में रखा, उसके अंदर क्या होता है, आकर्षण बल होता है। अब जब हमने इसमें तापमान बढ़ाया तो क्या हो गया, धीरे धीरे आकर्षण बल इनका कम होगा और ये क्या बन जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा, यानी मतलब भाप के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले 3 कारण हैं, ठीक है, 3 नहीं वैसे तो हैं कई सारे कारक, ठीक है बच्चों, कुछ कारक हैं। देखो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये देखो, पहला सतही क्षेत्रफल, यानी मतलब अगर किसी वस्तु का सतह क्षेत्रफल बढ़ा कर दिया जाए या बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, वाष्पीकरण आसानी से हो जाएगा। सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए ये गिलास है बच्चों, और ये यहाँ पर मैंने एक टब रख दिया, ठीक है, ये टब रख दिया, इसके अंदर मैंने डाल दिया बेटा 100 ml पानी डाल दिया, कितना 100 ml पानी डाल दिया, तो ये जो है ना गिलास का पानी, ये कम देर में बच्चों वाष्पीकृत होगा, जबकि टब का जो पानी है ना 100 ml, ये जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा। ठीक है, यानी मतलब अगर मैं किसी चीज़ का क्षेत्रफल बढ़ा दूँ ना तो वहाँ पर वाष्पीकरण की दर जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसे तापमान में वृद्धि करने पर, तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है क्योंकि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, पानी है, पानी का तापमान बढ़ा दिया जाए तो वाष्पीकरण जल्दी हो जाएगा, जबकि इसी तरीके से तो होता है, देखो सर्दी में जो होते हैं बच्चों, सर्दी में नहीं वैसे मान लो, जो देखो एक होता है छाया में अगर आप कपड़े सुखाओगे, ठीक है, तो वो कपड़े कम देर में सूखते हैं, और वही अगर आप धूप में कपड़े डाल दो तो कपड़े बड़ी जल्दी सूख जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर तापमान में अंतर आ जाता है, क्योंकि धूप में तापमान क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, जबकि छाया में तापमान क्या हो जाता है, वो छाया में जो तापमान होता है बच्चों कम हो जाता है, जिस वजह से तापमान वृद्धि होगी तो जो है वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। आर्द्रता, अगर हवा में आर्द्रता हो तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है, यही तो मैंने बताया अभी। देखो जब देखो अगर हवा, सर्दियों में क्या होता है कपड़े देर में सूखते हैं बच्चों, जबकि गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में जो हवा होती है उसके अंदर क्या होता है, आर्द्रता होती है, तो उसके अंदर वाष्पीकरण जो होता है बहुत धीरे धीरे होता है, दर कम हो जाती है, जबकि गर्मियों में कपड़े बड़ी जल्दी सूख जाते हैं, उसके अंदर आर्द्रता की कमी हो जाती है। ठीक है, वायु की गति इसके अंदर भी होता है, जैसे ही वायु की गति बढ़ेगी तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी, जब वायु की गति कम होगी तो वाष्पीकरण की गति भी कम हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपने कपड़े सुखाए, ठीक है, जब हवा ज़्यादा तेज चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, जब हवा कम धीरे चलती है तो कपड़ों को सूखने में बच्चों थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अब ये देखो वाष्पीकरण से शीतलता होती है, ये बात भी तो सही है, वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव जो कण होते हैं उसके आसपास के वातावरण को अवशोषित कर लेते हैं, यानी मतलब जैसे ही वाष्पीकरण होगा तो उससे क्या होगी भाई, सूक्ष्मता बढ़ जाएगी, यानी मतलब एक तरीके से शीतलता बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है, तो देखो जब द्रव के कण जो होते हैं अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है, यानी मतलब द्रव के जितने भी कण होते हैं अपने आसपास से क्या कर लेंगे, वो ऊर्जा अवशोषित कर लेंगे, और जैसे ही अवशोषण के कारण जब वो ऊर्जा अवशोषित कर लेंगे तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, शीतलता आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इसी कारण कुछ और उदाहरण देखिए जिससे आप लोग अच्छे से समझ पाओगे, और इसी के साथ साथ ये चैप्टर भी होने वाला है समाप्त। जो ऊष्मा होती है, जो गर्मी होती है, वो क्या हो जाती है, वाष्प में बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है, और इसी कारण हमारा हाथ जो है वो ठंडा ठंडा महसूस होता है। ठीक है, क्यों महसूस होता है, क्योंकि हमारे हाथ में जो गर्मी होती है वो किस में बदल जाती है, वो किस में बदल जाती है बच्चों बताओ,
हाँ वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और इसी कारण क्या होता है हमारे हाथ में शीतलता होती है, ठंडक महसूस होती है। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा फैक्टर क्या है, गर्मी में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई गर्मियों में क्या होता है, पसीना अधिक आता है, और पसीना अधिक आता है तो इसके लिए हमें क्या पहनने चाहिए, सूती कपड़े। और सूती कपड़े जो होते हैं वो पानी के बेटा अच्छे अवशोषक माने जाते हैं। वो क्या करते हैं, जो हमारे शरीर से पसीना निकलता है उसको बड़ी जल्दी क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और जिसके कारण क्या होता है वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकरण कर देते हैं। उन्होंने क्या किया, हमारे शरीर से पसीना लिया और वो कपड़ों ने अब्सॉर्ब कर लिया, यानी मतलब अपने अंदर अवशोषित कर लिया और उसको वायुमंडल में क्या कर दिया, छोड़ दिया, और जिस कारण क्या लगता है हमें, शीतलता मिलती है। ठीक है, सूती कपड़े इसीलिए हमें गर्मियों में आराम देते हैं। समझ में आ गया, अब बता सकोगे आप लोग। गर्मियों में अक्सर लोग जमीन पर जल छिड़कते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसको इसके पीछे भी तो फैक्ट है। देखो बच्चों, अब क्या होता है, जब पानी जमीन से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प के रूप में बदला जाता है, जैसे आपने पानी डाला, ठीक है, अब पानी डाला तो क्या हुआ, जमीन से जो ऊर्जा निकल रही थी, गर्मी निकल रही थी, ठीक है, उसको क्या किया, उसने एब्जॉर्ब कर लिया और वाष्प के रूप में बदल देता है। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, जो जमीन है वो ठंडी पड़ जाती है। आपने देखा होगा गर्मी में बहुत जल्दी क्या हो जाता है बच्चों, बहुत ज़्यादा गर्मी निकलने लग जाती है जमीन से। ठीक है, तो आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, उसमें पानी का छिड़काव करते हैं, और पानी क्या करता है, वो सारी जो ऊष्मा होती है उसको अवशोषित करके वाष्प के रूप में बदल देता है, और जिस कारण क्या हो जाता है, वो जमीन ठंडी पड़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का चैप्टर, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का चैप्टर, हमारे आसपास के पदार्थ। बच्चों आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और आप लोग समझ पाओगे, इस वीडियो से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा बच्चा वो अच्छा प्रदर्शन करेगा अपने एग्जाम में। सो बच्चों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर, तो बच्चों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, ठीक है, बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा लें बच्चों, ताकि आपको भी हेल्प मिलेगी और आप भी क्या कर सको। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, ठीक है, बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा लें बच्चों, ताकि आपको भी हेल्प मिलेगी और आप भी क्या कर सकोगे, अपने एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर सकोगे, अच्छे मार्क्स गेन कर सकोगे। धन्यवाद।